All the shareholders paid up to the second call except Sunny, the allottee of 200 shares failed to pay final call. ये वाला adjustment किधर आएगा? क्या करेंगे फिर? ये नहीं भर रहा है पैसा तो? इसने final call का पैसा नहीं भरा. मतलब इसने कितना रुपया नहीं भरा? 200 into 2. सर 20,000 में से कुछ shares पे पैसा और कुछ पे क्यों debit कर रहे 400 रुपया बताओ? नहीं मिला पैसा तो ये 400 रुपया क्या मानेगा? डूब गया मानेगा? आने वाला है. कितने लोग ऐसा बोलते हैं ये पैसा डूब गया ऐसा नहीं मानेगा? मतलब तुमको ऐसा लग रहा है ये डूबा नहीं है, ये मिलेगा ऐसा? तो हम क्या मानेंगे बताओ? ये 400 रुपया. Question 14. Bindu Company Limited made an issue of 20,000 equity shares of rupees 20 each payable as follows. हमने क्या बोल दिया? हमारे 20,000 shares market में आ रहे हैं. जिन जिनको चाहिए आइए और आके apply करिए. 20 रुपए का एक share है. Let us check the total. 5, 10, 15, 3, 18, 2, 20. Correct? ठीक है. तो हम कितना रुपया मांग रहे हैं स्टार्टिंग में? 5 रुपया. देखते हैं कितने लोगों ने एप्लीकेशन किया. The company received applications for 25. So this is the case of which applications for अपने को देख कितने एक्सेस एप्लीकेशंस है? ओवर 5 है ना. तो क्या 3 ऑप्शंस? या तो सबको रिफंड कर दो, या तो सबका पैसा, या थोड़ा थोड़ा. लेट अस चेक क्या क्वेश्चन बोल रहा है. क्वेश्चन सेज दिस एक्सेस एप्लीकेशंस फॉर 5000 शेयर्स वेयर रिजेक्टेड एंड मनी, मतलब इस बार पूरा का पूरा रिफंड. कोई टेंशन? ठीक है आगे. ऑल द शेयर होल्डर्स पेड अप टू द सेकंड कॉल एक्सेप्ट सनी द एलॉटी. एलॉटी ना शेयर्स कौन अलॉट कर रहा है? कंपनी. शेयर्स कौन अलॉट कर रहा है? अरे हाँ ना, हम तो कंपनी के बारे में सोच रहे. शेयर्स हम अलॉट कर रहे हैं, मतलब हम शेयर्स दे रहे हैं. तो हम कौन है? अलॉटी. हम अलॉटी है. अरे बिजनेस एक्शन में भी पढ़ा है. कुछ तो और कुछ तो ही. ड्रॉवर, ड्रॉवी. तो ड्रॉवर कौन? जो ड्रॉ करने वाला ड्रॉवर. अरे सनी दी अलॉटी. अलॉटी इसको शेयर मिला. हम अलॉटर, हम अलॉट कर रहे हैं. इनको अलॉट होके मिल. ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये मैटर करता है यार. क्या ही फर्क पड़ रहा है तुमको? तो कुछ है, तुम तो हटा सावन की घटा. एक्सेप्शन चलो फिर से देखते. सारे शेयरहोल्डर्स ने पैसा पे किया एक्सेप्ट सनी दी अलॉटी ऑफ 200 शेयर्स failed to pay final call. ये बंदे ने final call का पैसा नहीं भरा. अभी क्या टेंशन है? ये कौन से वाले installment में आएगा? Come on, tell me. There are how many installments? 4 ना. Total कितने बार पैसे मंगा रहे? 4 बार. Application money receive, फिर transfer. Allotment money due receive. First call money due receive. Second and final call money due receive. 4 × 2 = 8. ये वाला एडजस्टमेंट किधर आएगा? अरे लास्ट वाले में एक व्यक्ति पैसा भर नहीं रहा है. मतलब हमको फाइनल कॉल का पूरा पैसा मिला नहीं. मतलब फाइनल कॉल रिसीव पूरा हुआ है नहीं. तो उसी में असर होगा ना. फाइनल कॉल ड्यू में क्या असर होगा? हम मंगाएंगे तो पूरा. अच्छा जब मंगा रहे थे तब किसको पता था कि ये नहीं भरेगा? जानबूझ के नहीं भरा है क्या? फेल्ड टू पे नॉर्मल है. कुछ गलत किया है इसने? नहीं. भूल गया यार. ठीक है क्या करेंगे फिर? ये नहीं भर रहा है पैसा तो? सोचना बैक ऑफ दी माइंड. चलिए रेडी स्टार्ट करते. कम ऑन एवरीवन. क्वेश्चन नंबर 14. इशू किया 20,000 इक्विटी शेयर्स. भाई इक्विटी है इस बार. इशू 20,000 इक्विटी शेयर्स. Applied 25,000 equity shares. So this is the case of over subscription. So सबसे पहले तो एप्लीकेशन, जैसे हम प्रमोशन मार्केटिंग करेंगे लोग आके अप्लाई करना शुरू कर देंगे तो हम बोलेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव. कितना रुपया मिल रहा है एप्लीकेशन का हमें? 5 रुपया. तो ₹5 इंटू 25,000 इक्विटी शेयर 125 25 5 = 125 3 शून्य
मतलब 1,25,000 रुपया हमको मिलेगा, हम पूरा पैसा ले लेंगे, हम बोलेंगे 1,25,000 रुपया आया डी डेबिट, पैसा आएगा बैंक में, बोलूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, काय का पैसा आया एप्लीकेशन का, तो मैं बोलूंगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, चलिए भाई अभी ये जो लोगों से पैसा मिला ये पूरा हम रखेंगे, बिल्कुल नहीं सर, 25,000 शेयर्स का पैसा मिला बट हम दे सकते हैं सिर्फ 20,000 शेयर्स, तो हम पैसा भी सिर्फ 20,000 शेयर्स पे ही रखेंगे अपने पास, तो हम एक्सेप्ट करेंगे और ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल में 20,000 इक्विटी शेयर्स का पैसा, और जो बच गया 5,000 उसको हमें क्या करना है, यस, तो इन एप्लीकेशंस को हम रिजेक्ट कर देंगे और इन लोगों का पैसा हम रिफंड कर देंगे, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है तो हम भी वही फॉलो कर रहे हैं, तो इनटू रुपया 5 1,00,000 हमने रखा हमारे पास और 25,000 हम रिफंड कर रहे हैं, तो जो हम हमारे पास रख रहे हैं वो ट्रांसफर हो जाएगा टू कैपिटल, और जो हम रिफंड कर रहे हैं हम बोलेंगे पैसा गया सी क्रेडिट टू, पैसा गया किधर से, बैंक से, तो टू बैंक, तो बन गया एंट्री, ये तो कंफर्म है जितना एप्लीकेशन क्रेडिट उतना खट करके डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, शेयर कैपिटल अकाउंट इज हाउ मच 1,00,000 रुपीज, इसके बाद टू बैंक अकाउंट 25,000 रुपया बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर एंड एक्सेस मनी, हाँ ये लिखना जरूरी है, एंड एक्सेस मनी रिफंडेड, नेक्स्ट ऑन अलॉटमेंट, फिर ड्यू रिसीव, हम अभी अलॉटमेंट का पैसा मंगाएंगे, हम क्या बोलेंगे जिन जिन का नाम लिस्ट में आया है आइए और आके अलॉटमेंट का 10 रुपया भरिए, कितने लोगों का लिस्ट में नाम अपन ने डाला रहेगा, सर 20,000 शेयर, भले एप्लीकेशन 25 आए पर देने के लिए सिर्फ 20,000 शेयर है, इशूड कम है अप्लाइड ज्यादा है, तो पहले ज्यादा लिखा बाद में कम 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 लिखना पड़ेगा, मतलब अभी से हम 20,000 शेयर पे ही काम करेंगे, तो अब हम अलॉटमेंट का 10 रुपया तो मंगा रहे पर सिर्फ 20,000 शेयर पे, क्यों अलॉट करना मतलब शेयर्स देना और हम देने वाले हैं 20,000 शेयर्स, तो पैसा भी 20,000 पे ही आएगा, कॉमन सेंस, रुपीज 2,00,000, तो अब 2,00,000 रुपया हमको मिलेगा, तो हम बोलेंगे ये 2,00,000 रुपया आने वाला है, हमने पैसा मंगाया तो गारंटीड के साथ अलॉटमेंट का 2,00,000 रुपया आने वाला है डी डेबिट, अलॉटमेंट का पैसा आएगा तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अब जो पैसा मांगा है वो हमको मिलेगा, इस बार पूरा मिलेगा, डेफिनेटली कुछ एडजस्ट किया है बट जिसका एक्स्ट्रा था पूरा फेंक दिया था वापस, तो अब हम कुछ एडजस्ट नहीं करेंगे, पूरा पैसा हमको चाहिए, बोला भी है क्वेश्चन में ऑल दी शेयर होल्डर्स पेड अप टू सेकंड कॉल, मतलब सबने सेकंड कॉल तक तो पे किया, मतलब अलॉटमेंट का पूरा पैसा मिला, फर्स्ट कॉल भी पूरा मिल रहा है, तो क्या ही टेंशन है, चलो अलॉटमेंट का पूरा पैसा मिल जाएगा तो रिसीव भी पूरा होगा, तो हम बोलेंगे ये 2,00,000 रुपया जो आने वाला था अब आया डी डेबिट, पैसा किधर आया बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट, ये काय का पैसा आया अलॉटमेंट का तो टू
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड अब बारी है फर्स्ट कॉल की अब हम बोलेंगे जिन जिन को हमने शेयर्स अलॉट किया है आइए और आके फर्स्ट कॉल का 3 रुपया भरिए अब 3 रुपया मंगाएंगे किन से ये 20,000 शेयर्स से 20,000 लोगों से तो अब हमको कितने मिलेंगे पैसे 60,000 रुपए तो हम बोलेंगे 60,000 रुपया फर्स्ट कॉल का ड्यू हो चुका है ये 60,000 रुपया आके भरिए हम ये 60,000 मंगा रहे हैं तो 60,000 रुपया फर्स्ट कॉल का आने वाला है डी डेबिट फर्स्ट कॉल का पैसा आने वाला है तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 60,000 ये पैसा जो आएगा ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल में तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हाँ बीइंग फर्स्ट मनी ड्यू अब जो पैसा आने वाला था फर्स्ट कॉल का वो आ जाएगा और पूरा ही मिला है फर्स्ट कॉल तो तो हम बोलेंगे ये फर्स्ट कॉल का पैसा आया डी डेबिट पैसा आया कुठे बैंकेत तो बैंक अकाउंट डेबिट काय का पैसा आया फर्स्ट कॉल का तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट Being first money receive up second and final call on second and final call rupees do rupiya mangayenge hum final call ka kitne logo se 20,000 लोगों से मतलब हम क्या बोल रहे हैं भाई अब लास्ट फाइनल कॉल भरने का समय आ गया है तो आइए और आके फाइनल कॉल का भरिए तो 40,000 रुपया हम मंगा रहे हैं तो हम बोलेंगे फाइनल कॉल मनी इज गेटिंग ड्यू सो कम एंड पे दी अमाउंट तो हम बोल सकते हैं 40,000 रुपया आने वाला है यस तो 40,000 रुपया एक्शन के साथ आने वाला है माने डी डेबिट फाइनल कॉल का तो इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल ध्यान से हाँ ये ऐसा सब जानबूझ के ही देते हैं इन लोग ये बस इसके लिए कि ताकि तुमसे कुछ मिस हो जाए और फिर मार्क्स कटे तो ये इंपॉर्टेंट है यू कैन नॉट इग्नोर दिस 40,000 रुपया और ये जो पैसा आएगा ये कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा being second and final call money due अब final call का पैसा क्या होगा receive होगा आया पूरा 40,000 बस इधर ही ये इधर तक कर लो अच्छे से सोचिएगा जरा ध्यान से सारे शेयरहोल्डर्स ने पे किया पैसा सेकंड कॉल का पर एक्सेप्ट सनी जिसके पास कितने शेयर्स थे 200 हमने इसको 200 शेयर्स दिए थे और इसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं भरा मतलब इसने कितना रुपया नहीं भरा 200 × 2 = 400 रुपया मतलब ये बंदे ने इस 40,000 में से 400 रुपया नहीं भरा मतलब हमको 400 रुपया कम मिला हाँ या ना तो कितना मिल गया रहेगा अपने को 39,000 सिंपल है ना यार पॉइंट क्या है ये 20,000 पे पैसा आना चाहिए था ना ये 20,000 पे आया क्या नहीं
फिर क्या करना पड़ेगा? हाँ सर, ये 20,000 में से तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे यार? क्यों सर? 20,000 में से कुछ शेयर्स पे पैसा और कुछ पे, सुनिए ध्यान से, मैं आपको क्वेश्चन कुछ पूछूंगा वो आपको बताना। तो ये 20,000 पे कुछ पैसा आया, मतलब बोल सकते हो रिसीव्ड आउट ऑफ दिस 20,000 शेयर्स, एंड इट वॉज नॉट रिसीव्ड ऑन सम शेयर्स, यस और नो? क्वेश्चन ने क्लियरली रिसीव्ड वाला फिगर बोला है कि नॉट रिसीव्ड वाला? नॉट रिसीव्ड बोला है ना। कितना नहीं मिला? 200 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला। देखना अभी ध्यान से, कितने पे नहीं मिला? 200 इक्विटी शेयर्स पे। कितना रुपए के हिसाब से? दो रुपए के हिसाब से हमको टोटल 400 रुपया नहीं मिला। तो रिसीव्ड कितना? 36,000। अरे 40,000 माइनस 439,000। ये सब काय को करने का? 20,000 में से 200 गया, 19,800, फिर इंटू टू, फिर 39,600, ये सब करने का जरूरत है? सीधा माइनस करो ना, उतना टाइम भी बचता है ना। मिलेगा बैलेंसिंग फिगर। अब ये पैसा मिला ना, पैसा मिला मतलब क्या? जल्दी से एक्शन के साथ, पैसा आया, डी डेबिट, बहुत बढ़िया। ये डेबिट किधर? डेबिट हाँ, कौन सा अकाउंट? बैंक अकाउंट डेबिट। तो मैं बोल सकता हूं हमको सेकेंड एंड फाइनल कॉल का 39,600 रुपए एक्शन के साथ आया, डी डेबिट किधर? बैंक में डेबिट, हाँ या ना? और एक चीज डायरेक्ट लिख सकते हैं आंख बंद करके, मतलब बिना सोचे एंट्री में, और क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट खाट करके? टू इक्विटी शेयर। अरे ये जितना डेबिट उतना, ये तो हमेशा होता है नहीं होता है? होता है, तो इधर नहीं होएगा? होगा 100% पक्का। दूसरी बात, ये जो पैसा आया काय का है? काय का है? सेकेंड हैंड, तो टू सेकेंड हैंड फाइनल कॉल ही लिखेंगे ना? लिखो मत, सिर्फ ध्यान दो, फिर बोल रहा हूं, टू इक्विटी शेयर, हाँ सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितना? 39,600। ये नहीं? अरे नहीं, इधर कुछ तो मिसिंग है ना, तो भरेंगे ना, क्या टेंशन है? कितना रुपया नहीं मिला? कौन सा इफेक्ट बच गया? इधर कितना करेंगे? अरे इधर 400 लिखना चुपचाप पड़ेगा, तभी तो टैली होगा, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्यों डेबिट कर रहे 400 रुपया बताओ? नहीं, आया। नहीं मिला पैसा, तो ये 400 रुपया क्या मानने का? डूब गया मानने का? आने वाला। कितने लोग ऐसा बोलते हैं ये पैसा डूब गया, ऐसा नहीं मानने का? मतलब तुमको ऐसा लग रहा है ये डूबा नहीं है, ये मिलेगा ऐसा? कॉलेज एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना, कोई स्टूडेंट अगर फीस नहीं भरा, सीधा एडमिशन कैंसिल, खत्म, सीधा फैसला ऑन द स्पॉट, मूवी नहीं चालू है, तारीख पे तारीख नहीं, जो है सीधा फैसला, ये क्या है, ये क्या? जिसने तुमको 20 रुपए में से 18 रुपया दिया है, उसका 2 रुपया भरने का नियत नहीं है, ऐसा है? 2 ही रुपया नहीं भरा उसने, तो उसको टाइम देना चाहिए, तो हम क्या मानेंगे बताओ? ये 400 रुपया आने वाला है, डी डेबिट आने वाला है, आउट स्टैंडिंग है। अरियर्स करके एक पॉइंट सुना था अपन ने, आया था फाइनल अकाउंट्स में, आया था कुछ तो भी पैसा इन अरियर्स है, और भी डिसोल्यूशन में भी आया था, यस कि पैसा इज इन अरियर्स। यहाँ पे काय का पैसा? अरियर्स है, कॉल मनी ना, तो इसलिए क्या लिखा जाता है देखना, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, क्या लिखते कॉल्स इन, कॉल्स इन अरियर्स। अरियर माने आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब वो पैसा जो आने वाला, काय का पैसा आने वाला है? कॉल का पैसा आने वाला है। 400 रुपया आया नहीं है, 400 रुपया आया नहीं है, पर आने वाला है। अरे उम्मीद करेंगे ना, एक्शन के साथ डी से डेबिट, और ये आने वाला को क्या बोलते हैं? कॉल्स इन। अरे समझ में आ रहा है, हम लेटर उसको लिख के दे देंगे और उधर मेंशन कर देंगे, इस बार भी पैसा नहीं भरा तो आपके शेयर्स हम कैंसल कर देंगे,
और जो आपने भरा है वो भी आपको वापस नहीं मिलेगा। शेयर्स भी हम ले लेंगे, ये पैसा भी हम रखेंगे। डन, एंट्री भी डन ना। यस, चलो नरेशन बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव एक्सेप्ट ऑन 200 शेयर्स। खत्म। On 200 shares. Last wala. अरे ओ, expenses हुआ. Issue का ही ना? Issue of shares. तो share issue करने का खर्चा, one of the major खर्चा is which खर्चा? Legal खर्चा. ध्यान रहेगा? काय का खर्चा? Legal खर्चा. Everything is going to be done legally. कितना? 3,000 रुपया। तो भरना पड़ेगा नहीं भरना पड़ेगा? तो ये खर्चे को भरेंगे ही ना, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस को भी भरते ही थे। बोलो भाई, पैसा खर्चा पे करना पड़ेगा तो क्या बोलेंगे? बस पैसा गया। सी क्रेडिट टू बैंक, रे बैंक क्या? बैंक अकाउंट। सर बैंक से पैसा जाएगा तो टू बैंक अकाउंट कितना रुपया जा रहा? 3,000 रुपया। काय के लिए पे किया सर? खर्चे के लिए। खर्चा एक्सपेंसेस ऑलवेज सब लिखा हुआ है, तो खर्चे को डेबिट कर देंगे। डेबिट कर देंगे खर्चे को 3,000। काय का खर्चा है? एक्सपेंसेस ऑफ इशू ना, तो शेयर इशू करने का खर्चा। हाँ या ना? शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। सिंपल, बस तो सिंपल है ना यार। शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। नरेशन बीइंग शेयर इशू एक्सपेंसेस पेड। टोटल अभी करेक्ट कितना शेयर इशू किया? 40,000। 20 रुपया मैच हो रहा है। कितना एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन आया? 5। क्या कर रहे? पूरा पैसा मिला कि किसी का बाकी है? बाकी है। अनिल जिसके पास कितने शेयर्स थे? 2। उसने नहीं भरा फाइनल कॉल, तो ये पैसा डूब? बिल्कुल नहीं। टाइम देंगे, उम्मीद करेंगे कि ये 2,000 पे 2 रुपए के हिसाब से 4,000 रुपया आने वाला है। तो आने वाला है तो डी डेबिट। कौन सा पैसा आने वाला है? कॉल का। तो कॉल्स इन अरियर्स, अरियर माने आउटस्टैंडिंग बाकी। रिगेटिंग हो जाएगा, सिंपल है, कुछ टेंशन एकदम सेम है ना, डबल हो गया सिर्फ।